आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालकों ने भीलवाड़ा में भी बुना था धोखाधड़ी का जाल। 5 नवंबर की लेटेस्ट न्यूज दोस्तों, ये आपको लेकर हम आए हैं। न्यूज सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है। भीलवाड़ा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालकों ने भीलवाड़ा में भी धोखाधड़ी का जाल बुना था। यहां से निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की जालसाजी की। सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक समेत 11 संचालकों के खिलाफ करीब 1 करोड़ रुपए की जालसाजी करने का मामला सुभाष नगर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस तगासे के जरिए 17 जनों की और से दर्जन से ज्यादा जांच शुरू की है। इन लोगों ने बचत खाते खोलकर लोगों की आरडी और एफडी जमा की थी, अब फरार होकर ताले लटका दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी ऑफिस बंद कर कर फरार हो गए। आगे खबर है कि थाना प्रभारी नवीतन व्यास ने बताया कि आर के कॉलोनी नेहरू उद्यान के निकट सोसाइटी संचालकों ने कार्यालय खोला था और ऑफिस नागौरी में भी खोला था। यहाँ बचत खाते खोलकर निवेशकों की आरडी और एफडी की राशि जमा की थी, बाद में निवेशकों को भुगतान करना बंद कर दिया। लोग दफ्तर में चक्कर काट कर परेशान हो गए। हमीरगढ़ निवासी जब्बार खान मुखर्जी पार्क के निकट रहने वाले राधेश्याम गगनारानी माहेश्वरी भट्ट, मोती नगर निवासी सत्येंद्र कुमार पारिक, मोहम्मदी कॉलोनी के निवासी अलाउद्दीन शेख, विजय सिंह पदी नगर निवासी बाबूलाल प्रजापत, आर के कॉलोनी निवासी बाबूराम प्रजापत, कृष्ण कुमार विजय स्वर्गीय समेत 17 जनों के मामले दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने आने वाले समय में फरियादियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने भी आगे और ज्यादा ऐसी शिकायत आने की संभावना जताई। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको इस न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।